पब्लिक टीवी आपकी आवाज। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने दलित मतदाताओं को साधने की पूरी तैयारी कर ली है। इस महीने में दलित वर्ग के मंत्री, सांसद और विधायक यूपी की सभी दलित बस्तियों और दलितों के घर पर दस्तक देते नजर आएंगे। एससी एसटी वर्ग के साथ ही महिला वर्ग को भी साधने में जुट गए हैं। बुद्धिविहार स्थित भाजपा कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी मुरादाबाद महानगर की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें अक्टूबर माह के होने वाले कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महानगर के प्रभारी वाईपी सिंह रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष भाजपा संजय शर्मा और संचालन महामंत्री कमल गुलाटी ने किया। बैठक में भाजपा प्रभारी वाईपी सिंह और एमएलसी डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस अवसर पर कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके किया गया। भाजपा महानगर अध्यक्ष संजय शर्मा ने कहा कि 2024 लोकसभा का चुनाव को लेकर पार्टी की ओर से कुछ निर्देश प्राप्त हुए हैं। इसी क्रम में मुरादाबाद जनपद में एससी एसटी वर्ग को साधने में जुटे हुए हैं। अक्टूबर माह के अंतिम सप्ताह में भाजपा एक बड़ा अनुसूचित वर्ग को लेकर मुरादाबाद में आयोजन करने जा रही है। इसमें हजारों से अधिक संख्या में अनुसूचित वर्ग के लोगों को बुलाया जा रहा है। इस आयोजन में महिला मोर्चा और अनुसूचित मोर्चा के अंतर्गत सभी सांसद, विधायक, महापौर, पार्षदों सहित सभी महिला मोर्चा और अनुसूचित मोर्चा के क्षेत्रीय पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गयी है। भारतीय जनता पार्टी के महानगर के बहुत ही यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान मेरे बड़े भाई, और जिनको चिंता हमेशा मुझको इसने क्या लाभ हमेशा मिलता है। 2024 का चुनाव नज़दीक है तो पार्टी की ओर से कार्यक्रम आ रहे हैं, तो जिसमें एक कार्यक्रम यह है कि अनुसूचित जाति के अंतर्गत आने वाले सभी वर्गों के लोगों में हमारे कार्यकर्ताओं को जाना है। इस कार्यक्रम के लिए नाम जो है अनुसूचित जाति बस्ती संपर्क के नाम से ये कार्यक्रम हमारे पास आया है, और इसमें हमारे सभी कार्यकर्तागण और पदाधिकारीगण अनुसूचित जाति वर्ग के बस्तियों में जाकर संपर्क कर रहे हैं। पिछले 15 दिन से लगभग ये संपर्क चल रहा है। इसमें सभी अनुसूचित जाति के सभी वर्गों के लोगों से मिलकर उनकी सूचियां बनाकर हमने तैयार की हुई हैं, और जो हमारी सरकार के योजनाएं और एससी वर्ग के लिए आई हुई हैं उन्हें उन लोगों को अवगत कराया गया है और करा रहे हैं। और यही है कि सभी को जोड़कर चलना है, अनुसूचित जाति के लोगों को जोड़कर चलना है, उन्हें अपनी पार्टी की योजनाओं से समझाना है। और इसी के निमित्त एक सम्मेलन का आयोजन हो रहा है जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसी भी स्थान पर निर्धारित होना है, जो अभी स्थान निर्धारित नहीं हुआ है। तो स्थान निर्धारित होने के पश्चात वहाँ पर सम्मेलन की रूपरेखा के लिए ये बैठक का आयोजन किया गया है। इसमें हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण और एससी वर्ग से प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे जो लोग हैं वो सब इसमें रहेंगे और उसी की योजना के अनुसार कार्य करेंगे। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।